अगर आप मार्केट में सीपीयू खरीदने जा रहे हो तो आप उसमें क्या चेक करते हो? नॉर्मली उसमें कितने कोर्स हैं, थ्रेडिंग, या इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है या नहीं, या फिर क्या ये ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है या नहीं। तो एएमडी प्रोसेसर के 3DV कैश टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कैश होता क्या है। कैश एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मेमोरी है, लाइक जो रैम करता है वो ही कैश भी करता है। तो कुछ कुछ रैम जैसा ही होता है, बस रैम से फास्ट होता है, जो आपके प्रोसेसर्स में लगा होता है। लेकिन प्रोसेसर्स को उसके पर्सनल मेमोरी की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर प्रोसेसर्स के पास कैश नहीं होता तो वो डेटा लेने बार बार रैम के पास जाता, जो उसको काफ़ी स्लो कर देता। मान लो आपको शॉपकीपर को पैसे देने हैं, अगर वो आपके पॉकेट में होगा तो आप उसको जल्दी से निकाल के दे दोगे, टाइम नहीं लगेगा। अगर वो पैसे बैग में होंगे और आपको काफ़ी टाइम लगेगा उसे बैग में से निकालने में, तो शॉपकीपर आपका मुंह देखेगा। जबकि पॉकेट में से निकाल के देना इज सिंपल देन बैग से निकाल के देना। तो प्रोसेसर्स को फास्ट करने के लिए कैश का इन्वेंशन किया। कैश एक्ट एज अ पॉकेट फॉर प्रोसेसर। अब जो सिस्टम में रैम होता है उसे हम कहते हैं DRAM और डायनेमिक रैम, और CPU के रैम को SRAM और स्टैटिक रैम बोलते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन वे मोर फास्टर देन DRAM। तो प्रोसेसर 3 लेवल के कैश का यूज़ करता है। L1 इनमें सबसे ज़्यादा फास्ट ये कैश होता है, जो डेटा प्रोसेसर को चाहिए होता है वो L1 में ढूंढता है। अगर उसे वहाँ नहीं मिलता तो वो L2 के पास जाता है। अगर वो डेटा L2 के पास भी नहीं होता है तो वो L3 के पास जाता है, जिसमें काफ़ी रिसेंट डेटाज होते हैं। इन केस L3 में भी उसे वो डेटा नहीं मिलता तो प्रोसेसर DRAM के पास जाता है, जो हमारे अक्सर सिस्टम्स में लगा होता है, लाइक 8GB, 16GB एंड सो ऑन। L3 और L2 कैश लार्जर और स्लोअर होते हैं, लेकिन L1 कैश स्मॉलर और फास्टर होते हैं। तो प्रोसेसर खरीदते वक्त कैश देखना ना भूलना। कैश गिव्स यू मोर FPS एंड इंक्रीज योर वर्क फ्लो। अगर ज़्यादा कोर्स और ज़्यादा थ्रेड्स की तरफ जा रहे हो तो डेफिनेटली उसके साथ ज़्यादा कैश आएगा। अब आपको ये कैश तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये AMD का 3DV कैश टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करता है? सो बेसिकली 5800X 3D के चिप्स डिज़ाइन किए गए हैं, प्रोसेसिंग कोर्स को साइड बाय साइड रख के उसके बीच में 3DV कैश टेक्नोलॉजी को लगाया गया है। इसमें AMD ने L3 कैश को स्टैक कर दिया है 3DV कैश लेयर्स के अंदर, ताकि सिग्नल्स कम डिस्टेंस में ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर सकें। या ऐसा भी कह सकते हैं, L3 कैश को बढ़ाने के लिए उन्होंने Zen 3 CCD कोर्स के ऊपर L3 कैश लेयर्स लगा दिया है, जो 3DV कैश टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल में जानें, AMD 3DV कैश एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो CPU के L3 कैश को बढ़ाने के लिए L3 कैश पे 3 कैश लेयर्स को एक के ऊपर एक रख दिया है, जिसमें एक कैश लेयर 32MB का है, और इसी तरह 32MB के 3 कैश लेयर्स को एक के ऊपर एक रखकर स्टैक कर दिया है, जो L3 कैश को टोटल 96MB तक कैश स्टोरेज बढ़ा देता है। अब L3 कैश स्लो होते हैं L1 और L2 के मुकाबले, लेकिन RAM से ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो जाहिर सी बात है लोड टाइम्स 3 गुना ज़्यादा फास्टर हैं। आसान भाषा में ये CPU हैंडल कर सकता है गेम्स और हाई एंड सॉफ्टवेयर्स के मल्टी इंस्ट्रक्शंस को बहुत इजीली। ये हम सबको पता है, गेम्स में सबसे ज़्यादा FPS मैटर करता है, तो जो डेटा CPU को चाहिए होता है वो कैश में ढूंढता है, और अगर उसे वहाँ नहीं मिलता तो वो रैम के पास जाता है, जो FPS रेट को कम कर देता है। लेकिन अगर कैश लेयर ज़्यादा हो और उसी में उसे वो डेटा मिल जाए जो डेटा उसे चाहिए, तो रैम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो L3 कैश से डेटा ले लेगा और FPS रेट को कम नहीं होने देगा। इस प्रोसेसर को वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर कहा गया है। अब आपको AMD 3DV कैश टेक्नोलॉजी तो समझ में आ गया होगा, तो AMD 3DV कैश का मजा उठा सकते हो, जो आता है सिर्फ Ryzen 7 5800X 3D के साथ। अगर बात करें इसके स्पेक्स की, तो इसमें आपको मिलता है 8 कोर 16 थ्रेड्स, 4.5 GHz का बूस्ट क्लॉक, 3.4 GHz का बेस क्लॉक। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल है वो है कैश। L1 कैश 512KB का है, L2 कैश 4MB का है, और L3 कैश है 96MB का। AMD का ये प्रोसेसर प्राइम AVGP पर अवेलेबल है, वो भी आपके बजट में। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।